नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं आईएनएस 24/7 की ये खास पेशकश भानुप्रतापपुर का संग्राम, जो कि महासंग्राम में धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मुकाबला अब दिलचस्प होता चला जा रहा है। भाजपा जहां आरक्षण कटौती से लेकर राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस का फोकस अब नुक्कड़ सभाओं और घर घर तक अपनी बात पहुंचाने पर है। भानुप्रतापपुर में भाजपा की ओर से जहां छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं, तो वहीं शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। जी हां, ब्रह्मानंद नेताम के। वहीं कांग्रेस की कमान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तीन मंत्री संभाले हुए हैं और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शुक्रवार को चारामा के तीन वार्डों में घर घर पर्चा बांटते हुए नजर आए। जी हां, मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर पर, एक तरफ ब्रह्मानंद नेताम है, एक तरफ सावित्री मंडावी, दोनों की तरफ से भाजपा के आला अधिकारी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं अलग अलग तरह की रणनीतियों के साथ। भानुप्रतापपुर में कांग्रेस ने मंत्री अनिला भेंडिया, ताम्रध्वज साहू और कवासी लखमा की ड्यूटी लगाई है। मंत्री अनिला भेंडिया और कवासी लखमा इन दिनों भानुप्रतापपुर में ही डटे हैं। जल्द ही प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कार्यक्रम तय होगा। सीएम भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात के दौरे से लौटने के बाद भानुप्रतापपुर में मोर्चा संभालेंगे। वे वहां चुनावी सभाएं और रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर माहौल बनाते नजर आएंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव का सियासी दलों के बीच अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत 324 पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए हैं, लेकिन जिन नेताओं की ड्यूटी भानुप्रतापपुर उपचुनाव में लगाई गई है उन्हें भारत जोड़ो यात्रा जाने से मना किया गया है। तो बड़ी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो डेलीगेट्स जा रहा है, जो डेलीगेशन जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, उसमें वो नेता शामिल नहीं है जिनकी ड्यूटी भानुप्रतापपुर उपचुनाव में। यही वजह है कि मंत्री कवासी लखमा अपनी टीम के साथ भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दावा करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर सेक्टर और बूथ तक काम कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के संबंध में खुलासे के बाद क्षेत्र की जनता भाजपा से खासी नाराज है। दूसरी ओर भाजपा भी आरक्षण कटौती के मुद्दे को घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है एक डिफेंसिव फैक्टर के तौर पर। मंत्री अनिला भेड़िया, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा इत्यादि लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, वहीं भाजपा घेर रही है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। हथकंडे अपनाएंगे, किसी कार्यकर्ता को पैसा प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को किडनैप कर रहे हैं, किसी के घर परिवार वालों को आतंकित कर रहे हैं। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ये भय और आतंक का वातावरण बनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने जब अपनी पराजय देखी तो ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। 4 साल पुराने प्रकरण को सामने लाके जिस मामले में आज ब्रह्मानंद नेताम की बात हो रही है, जिसके मामला जिसमें न 3 साल से कोई नोटिस मिला है, ना कोई सूचना मिला है, ना एसपी ने कोई जानकारी दी है, ना कोर्ट से कोई सम्मंस मिला है। ऐसा पॉस्को केस आज तक दुनिया में नहीं होता कि बिना जानकारी के 4 साल तक केस चलता रहे। नहीं, देखिए, महिलाओं में इस के प्रति बहुत नकारात्मक प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति। आप देखिए, जब वोट करने जाएंगे तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। देखिए, हम लोग अब हर स्टेज के साथ चल रहे हैं, महिलाओं की टोली अलग अलग गांव में निकलेगी और घर घर जाके बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला, ऐसे दुराचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो इसका भारतीय जनता पार्टी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल बनेगा। तो भानुप्रतापपुर के संग्राम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पूरी ताकत झोंक रही है। जिस तरह से ट्रेन को चलाने में
किसी जमाने में कोयला झोंका जा रहा था, एक झोंका जाता था ईंधन के लिए, उसी तरह पर दोनों ही पार्टियां सियासी बयानों को झोंक रही हैं, एनर्जी दे रही हैं। इस मामले पर तमाम बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं रायपुर से सीधा हमारे साथ। गौरव जी, घर घर पर्चा बांट रही है कांग्रेस, कवासी लखमा जी और तमाम लोग, कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अब अपने चुनावी कैंपेन को तेज करती हुई नजर आ रही, क्योंकि प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है और अब कांग्रेस जो है वो लगातार अपने पक्ष को मजबूत करने की दिशा में लगी हुई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और तीन मंत्रियों ने इस मोर्चा संभाला हुआ है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज चारामा में थे, उन्होंने तीन वार्डों का दौरा किया, घर घर गए, पर्चे बांटे, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। जहां तक तीन मंत्रियों की बात है, अनिल भेड़िया लगातार भानुप्रतापपुर में कैंप कर रही है, मंत्री कवासी लखमा लगातार भानुप्रतापपुर और कांकेर जिले में डटे हुए हैं, इसी तरह से ताम्रध्वज साहू की भी ड्यूटी लगाई, वो भी बहुत जल्द वहां पहुंचेंगे। इसी के साथ गुजरात चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद भी मोर्चा संभालेंगे और वो वहां पर जाकर प्रचार करेंगे। सीएम की वहां पर सभाएं भी होंगी, वो वहां पर रोड शो भी करेंगे और साथ ही साथ जनसंपर्क करके कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल को और सघन बनाने की कोशिश करेंगे और पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आज वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी आज प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में उनके समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, हमारे तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, उनका कहना है कि तमाम जानकारी आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या के कारण उनसे संवाद थोड़ी देर के लिए कट गया, हम उनके पास बहुत जल्दी जाएंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि गौरव बता रहे थे, गौरव क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं आप? गौरव, एक बात आज फिर सामने निकल कर आई, जाहिर सी बात है ब्रह्मानंद नेताम को लेकर जो आरोप लगा था, तो आज पीसीसी चीफ ने बड़ी बात कही है कि ये बात महिलाओं के अंदर बैठ गई है, कहीं ना कहीं महिलाएं इसमें अब नाराज हैं, तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी संजीदगी से देखते हैं? देखिए, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपनी रणनीति का खुलासा किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात को लेकर महिलाएं बेहद नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया जिन पर गंभीर आरोप लगे। अब इस बात को बताने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, खासतौर पर महिला कांग्रेस की जो टीम है, जो उनकी टोली है, वो घर घर तक जाएगी और महिलाओं को खासतौर पर बताया जाएगा। और ये समझना इसलिए भी बेहद आवश्यक है और दिलचस्प है कि भानुप्रतापपुर के अगर मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो वहां पर महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुष मतदाताओं से अधिक है और महिलाओं को लेकर के बीच में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर महिला प्रत्याशी के रूप में सावित्री मंडावी को लेकर भी है। और अब ये बताने की कोशिश की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिन पर गंभीर आरोप लगे, तो इस बात को बताने के लिए महिलाओं की टीम को घर घर भेजने की बात अब कह रहे, तो इससे गंभीरता को समझी जा सकती है। कल से ही जो महिलाओं की टोली है वो घर घर तक जाएगी, इस बात को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे आरक्षण की बात हो या बाकी अन्य मुद्दे हो, उस पर भी कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो मजबूती से पार्टी के कार्यकर्ता रखेंगे। इस बात को बताने की कोशिश होगी कि आरक्षण के लिए जो संशोधन विधेयक है वो कैबिनेट से पारित कर दिए गए हैं, विधानसभा के विशेष सत्र में 1 और 2 तारीख को जो आहूत है उसमें भी इसे पास करा लिया जाएगा और जल्द से जल्द प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। तो कोई भी ऐसा मुद्दा न बन सके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या राज्य सरकार को जो अटैकिंग मोड में, जिस पर विपक्ष को मौका मिले ऐसे किसी भी मुद्दों को जो है वो बनने से रोकने के लिए कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी लड़ाई लगातार लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही कि किस तरह से आरक्षण में कटौती की गई, जिस तरह से विकास कार्यों को रोका गया, जिला बनाने का वादा किए थे जिला नहीं बन पाए, तो तमाम जो मुद्दे हैं उसको दोनों ही दलों का इस बात पर फोकस है कि कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, कैसे इस बात को प्रभावी ढंग से रखा जाए कि जो अपने अपने मुद्दे हैं वो आम मतदाता तक पहुंचे और उसका जो लाभ है वो सियासी दलों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, एक बात और, मतलब अगर पुराने चुनाव में अपन जाएं, 2018 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो देखते हैं कि मनोज मंडावी की जो जीत हुई थी 26,000 से ज़्यादा मतों से हुई थी।
आपसे माफी चाहूंगा, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से थोड़ा तकनीकी समस्या थी। 26,000 से ज्यादा मतों से जीत हुई थी और देवलाल दुग्गा उस समय उनके विरुद्ध थे। तो देवलाल दुग्गा क्या अभी भी बीजेपी की तरफ से कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले प्रत्याशी थे, क्या उनका समर्थन है, क्या उस पर भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव अक्सर भूल जाते हैं और ये तो उपचुनाव है तो ज़्यादा वक्त था नहीं। तो देवलाल दुग्गा की क्या स्थिति है और पिछले वोट में 26,000 मतों से जीतना उनका एक बड़ी जीत दिखाता था, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल। देखिए 2018 के चुनाव को अगर हम देखें तो 2018 का चुनाव हर मायने में इस चुनाव से बेहद अलग था। 2018 में सत्ता विरोधी लहर जो थी उसका लाभ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको बड़े पैमाने पर मिला था, और जो प्रत्याशी थे वो ना सिर्फ 26,000 30,000 बल्कि 50,000-60,000 वोट से भी जीते थे। सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम दर्ज था, तो कहीं ना कहीं वो जो चुनाव था वो निश्चित रूप से अलग था। अब दोनों ही दल जो है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही दलों के समक्ष बड़ी चुनौती है। कांग्रेस प्रत्याशी के समक्ष इस बात को लेकर चुनौती कि सत्ता में होने के बाद और लगातार जो उनके पति थे सावित्री मंडावी के पति मनोज मंडावी के लगातार चुने जाने के बाद भी उस सीट से 14 लोगों की दावेदारी सामने आई, उसमें से 5 नाम गंभीरतापूर्वक पीसीसी की बैठक में रखे गए, चुनाव समिति ने मंथन किया, उसके बाद टिकट मिली। तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी सभी जो अन्य दावेदार हैं उनको साधकर अपने पक्ष में समर्थन हासिल करना ये बड़ी चुनौती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा के लिए भी देवलाल दुग्गा की बात हो या अन्य जो नेता हैं, वहां से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंडी को भी दावेदार माना जा रहा था। तो ऐसे दिग्गज नेताओं को साधकर अपने पक्ष में लाना, अपने साथ खड़े करना और उनके जनाधार का प्रयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है। और जहां तक बात है भाजपा के नेताओं की, तो निश्चित रूप से भानुप्रतापपुर क्षेत्र में जब हमने बातचीत की तो इस बात को वहां के क्षेत्र के लोगों ने कहा कि ये निश्चित रूप से हम मान रहे थे कि किसी नए प्रत्याशी को, किसी नए दावेदार को टिकट दिया जाता तो अधिक बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनौती जरूर होगी। जी जी गौरव, एक क्वेश्चन और संक्षिप्त से। जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये जिला आता है, संक्षिप्त में उत्तर जानना चाहूंगा। किसान बड़ा मुद्दा हो सकते हैं, बड़ा चेंजिंग फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि धान खरीदी, समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने काम किया। तो आपको क्या लगता है कि किसान मतदाता किसकी तरफ हो सकता है और किसान मतदाता की भूमिका कैसी हो सकती है? निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा जो है बेहद अहम है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को बताने की कोशिश भी कर रही है कि किस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हो, चाहे गोधन न्याय योजना की लाभ देने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ धान खरीदी भी चल रही है, धान खरीदी केंद्रों में ही जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो चाहे आरक्षण कटौती का मुद्दा हो या बाकी अन्य मुद्दे हो, राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाने का काम हो, तो वो धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर ही अपनी रणनीति के तहत किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसान भी बेहद अहम है, और साथ ही साथ अगर जातिगत दृष्टिकोण से समझना चाहे तो सीट भले एसटी है भानुप्रतापपुर, लेकिन वहां पर एसटी मतदाताओं के साथ ही साथ ओबीसी मतदाता जो है वो भी काफी निर्णायक होते हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसकी बहुलता भानुप्रतापपुर सीट में है। एसटी के अतिरिक्त ओबीसी जो है वो भी बेहद प्रभावी है, तो कहीं ना कहीं जातिगत जो गणित है उसको भी साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, तो काफी अच्छा आपने बोला कि धान खरीदी केंद्रों को वोट तब्दीली केंद्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि ये लड़ाई कैसे होती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौरव थे हमारे विशेष संवाददाता रायपुर से, जो जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि इस भानुप्रतापपुर उपचुनाव में किसान भी चेंजिंग फैक्टर है, एसटी वोटर्स एसटी मतदाताओं के साथ खास तौर पर गौर करने वाली जो बात है ओबीसी वोटर्स हैं, उनका भी अहम किरदार है, और पूरी लड़ाई पीसीसी चीफ हों चाहे भाजपा की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल हों, ये पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे अभी इस मामले पर और भी हमारे साथी संवाददाता जुड़ेंगे। बहरहाल भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आदिवासी समाज को साधने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें आदिवासी समाज ने जहां अपना प्रत्याशी मैदान में उतार कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी समाज का समर्थन होने का दावा कर रही हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भानुप्रतापपुर विधानसभा के एक गांव में कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए आदिवासी समाज की ओर से खड़े किए गए प्रत्याशी अकबर कोर्राम को भाजपा बी टीम बता डाला है।
मोहन मरकाम ने कांग्रेस को इस चुनाव में हराने और आदिवासियों से कांग्रेस की दूरी बढ़ाने के लिए भाजपा के द्वारा अकबर कोर्राम को बी टीम बनाकर मैदान में उतारने की बात कहने के मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा की कोई बी टीम नहीं है। आदिवासियों के आशीर्वाद से ही भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही है और आज भी प्रदेश में भाजपा के 9 सांसद आदिवासियों के ही आशीर्वाद का ही नतीजा है। इस मामले में आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कोर्राम कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस दोनों से है, दोनों ही पार्टियों ने आदिवासियों का अहित किया है, हमारी लड़ाई आरक्षण के लिए है, आदिवासियों के हित के लिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। आदिवासी समाज भाजपा के आशीर्वाद देने वाली वाला समाज है और आज भारतीय जनता पार्टी यदि 15 साल छत्तीसगढ़ में लगातार जीतती रही, आज लगातार हमारे 9 से ज़्यादा सांसद जीतते रहे, तो आदिवासी समाज का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है जिसकी वजह से हम जीतते रहे। ए टीम और बी टीम का नहीं, आदिवासी समाज तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। और इस मामले पर तमाम बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव भानु प्रतापपुर से जुड़ गए। गौरव, कैसा चल रहा है सियासी समीकरण, सियासी माहौल भानु प्रतापपुर में? जी बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर चुनाव के जो समीकरण है वो दिन ब दिन अपनी सूरत बदल रहा है। आज जो घटनाक्रम सामने आया उसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक आरोप लगा दिया कि जो आदिवासी समाज चुनाव लड़ रहा है वो भाजपा की बी टीम है। इसमें भाजपा ने ब्लड वार करने में तनिक भी देरी नहीं की और पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया कि हम शुरू से आदिवासी समाज के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हुए आए हैं और आदिवासी समाज के कारण ही जो है हमने 15 साल सत्ता हासिल की है। साथ ही हमारे 9 सांसद जो आज भी हैं छत्तीसगढ़ में वो आदिवासी समाज के कारण ही हैं। इसके अलावा आदिवासी समाज ने भी इसके ठीक कुछ देर बाद एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हैं, हम दोनों ही पार्टी का समर्थन नहीं करते, दोनों ही पार्टियों ने पिछले 22 साल तक हमारा अहित किया है जिसको लेकर इस बार हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों ही जो भाजपा कांग्रेस के अलावा जो आदिवासी समाज है तीनों ही अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। तो लगातार ये चीजें सामने आ रही है, रोजाना कुछ ना कुछ नए बयान यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तीनों ही जो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, आदिवासी समाज जो कि एक पार्टी के तौर पर अब आगे आ चुका है और चुनाव लड़ रहा है, बयानबाजी का दौर तीनों की तरफ से लगातार जारी है। जी गौरव, इससे पहले हमारे साथी संवाददाता विशेष संवाददाता गौरव शर्मा रायपुर से थे। गौरव ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी मुस्तैदी से प्रचार कर रही है कांग्रेस के आरक्षण कटौती के मुद्दे को लेकर, तमाम मामले को लेकर। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा देख रहे हैं आप इस चीज़ को कि धान खरीदी केंद्रों में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय किसानों का जमावड़ा है, किसान अहम फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ ये जिला है, इस मामले पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जी निश्चित तौर पे किसान जो है वो इस चुनाव में अहम फैक्टर होंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, लेकिन 3 दिनों तक धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी थे, जो ऑपरेटर थे, उनकी हड़ताल चलती रही तो ये धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई थी। अब एक उपचुनाव का मौका भी मिल गया भाजपा को इस मौके को भुनाने का। साथ ही जो पिछले साल जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी धान खरीदी को लेकर, कई तरह की चीजें सामने आई थी जिसमें कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसानों ने भी हल्ला बोला था, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान जो है किसानों रिझाने में भाजपा जुटी हुई है। भाजपा के जो आला दिग्गज नेता हैं पिछले कई दिनों से उन्होंने कांकेर में भानु प्रतापपुर में डेरा डाला हुआ है। मैं आपको बता दूं पूर्व सीएम रमन सिंह भी पिछले 2 दिनों से कांकेर में है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जो कि चुनाव के प्रभारी हैं भानु प्रतापपुर में भाजपा की ओर से, वो लगातार कांकेर में, प्रेम प्रकाश पांडे कांकेर में है, लगातार इनकी मौजूदगी इन क्षेत्रों में है और जहां पर भीड़ जुट सकती है, अब इस भीड़ जुटने की सबसे बड़ी जगह जो है वो धान खरीदी केंद्र है, तो वहां पर भी पहुंचकर किसानों को अपनी ओर भुनाने का कोई भी अवसर जो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। गौरव, कुछ खास रिपोर्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव अंबेडकराइट पार्टी के प्रत्याशी के अपहरण का मामला आया है। लोहतर थाने में इस बारे में शिकायत की गई है और प्रत्याशी शिवलाल
पोटो का वीडियो चुनावी मैदान से हटने का मतलब ऐलान किया था, और इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं है, स्वेच्छा से नारायणपुर आया हूँ। तो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से तरह तरह की बातें आ रही हैं। मेरा नाम शिवलाल पुड़ो है, मैं ग्राम पिछोड़ से हूँ और मेरा थाना लोहत्तर है, तहसील द्रुपंदर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए अम्बेडकर एड पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया था और मैं अपने स्वेच्छा से अपने प्रत्याशी पद से मैं वो कर रहा हूँ, और मैं अपने निजी काम से नारायणपुर आया हूँ, और मैं ऐसा कोई जोर जबरदस्ती दबाव कोई पूर्ण नहीं है, ना कोई पार्टी वाले मुझे दबाए हैं, अपने निजी काम से मैं नारायणपुर आया हुआ हूँ और मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और मुझे कोई ऐसा जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं है। मेरा नाम शिवलाल पुड़ो है, मैं गौरव, अभी हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में अम्बेडकराइट पार्टी के प्रत्याशी को अगवा करने की बातें आई थी। अब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपहृत नहीं किया गया हूं, मैं अपनी मर्जी से यहां पर हूं। तो अम्बेडकराइट पार्टी पर भी थोड़ा रोशनी डालिए कि इसका क्या रुझान है और इन प्रत्याशी की क्या भूमिका है, कुछ इनपुट्स, कुछ ऐसी बातें। देखिए, आपको 2014 का उपचुनाव याद होगा जब विक्रम उसेंडी ने विधायक पद छोड़कर सांसद के लिए चुनाव लड़ा था, उस दौरान सीट खाली हुई थी अंतागढ़ की। उस समय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे मंतुराम पवार, उन्होंने नाम वापस ले लिया था। उस समय मंतुराम पवार के नाम वापस लेने के बाद लगातार 10 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया था। अम्बेडकराइट पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसके उम्मीदवार रूप कर फूड़ो जो है वो चुनाव मैदान में थे और उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस बार भी अम्बेडकराइट पार्टी है वो चुनाव लड़ने के मैदान में थी, लेकिन आज सुबह जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनको कांग्रेस के जो अंतागढ़ के विधायक हैं अनूप नाग, साथ ही जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं हेमंत ध्रुव, तमाम लोगों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्हें जबरदस्ती कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई है। तो इस तरीके का जो बयान सामने आया, इसके चंद घंटों के बाद जो है जो प्रत्याशी थे गौरव, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, संक्षिप्त में मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं सर्व आदिवासी समाज के लोग भी लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को जीत दिलाने की कस्में खिलाई जा रही हैं। इसी तरह का नजारा दुर्गु कोंदल के गोंडवाना भवन में देखने को मिला है, जहां आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को देवी देवताओं की कसम खिलाई जा रही है। गांव-गांव में ये कसमें खिलाई जा रही हैं। कसमों का असर कितना होता है ये फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगी, मुश्किल है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज के इस मिशन कसम ने दोनों ही पार्टियों को चिंता में डाल दिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान भी दिया था कि आप वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हर जगह ऐसी चीजें देखने को। और गौरव, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा कि अभी हमने कुछ फोटोज दिखाए, कुछ विजुअल्स दिखाए कि सर्व आदिवासी समाज अभी भी गांव-गांव जाकर शपथ दिला रहा है कि उनके प्रत्याशी को वोट डालें। यहां तक कि धार्मिक चीजों का भी उपयोग हो रहा है, जो कि चुनावी आचार संहिता के अनुसार ये आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल ने भी कहा था कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, उनकी बात सही भी है, चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था। तो ये सर्व आदिवासी समाज ये कस्मों का सिलसिला रोक क्यों नहीं रहा है? ये कस्मों के ही थ्रू ये अपना पूरा चुनावी इनकी रणनीति है, ऐसा क्या है? जी देखिए, मैंने जैसा पहले आपको पहले भी बताया कि आदिवासी समाज जो है वो किसी भी तरह की चुनावी सभाएं नहीं कर रहा है, वो हर गांव-गांव पहुंचकर जो है अपने जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहा है, उन्हें कस्में दिलवाई जा रही हैं, जिस पर भूपेश बघेल का बयान जरूर आया था। निश्चित तौर पर किसी लोकतंत्र के पर्व पर आप किसी को प्रत्याशी को वोट डालने के लिए दबाव तो नहीं बना सकते, लेकिन आदिवासी समाज जो है वो अपनी समाज की आड़ लेकर जो है लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि हर गांव से ये वीडियो वायरल हो रहा है, हर गांव में आदिवासी समाज के द्वारा कस्में दिलाई जा रही हैं कि जो आदिवासी समाज के प्रत्याशी हैं उन्हें ही मतदान किया जाएगा।
लगातार इस तरह के वीडियो सामने आना और इस पर अभी तक निर्वाचन आयोग ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आदिवासी समाज दावा कर रहा है कि आदिवासी समाज बिल्कुल गौरव, यानी कि आदिवासी समाज की रणनीति का हिस्सा है सर्व आदिवासी समाज की। गौरव चलते चलते छोटा जवाब चाहूंगा कि कांग्रेस महिलाओं की टोली बनाकर अब उतर रही है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर रेप का आरोप था और पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का था, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या बीजेपी इस पर डिफेंस कुछ कर रही है, कुछ तैयारी रणनीति का हिस्सा है? संक्षिप्त में देखिए, डॉक्टर रमन सिंह ने आज ही कह दिया कि 4 साल पुराने मामले को जबरदस्ती उठाया जा रहा है और भाजपा प्रत्याशी को जबरदस्ती उसे बदनाम किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ था, अगर वो आरोपी थे, तो 4 साल तक आखिर क्यों वेट करती रही झारखंड पुलिस, क्यों उन्हें समन जारी नहीं किया गया, क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? कुल मिलाकर भाजपा इसको इसी मुद्दे को लेकर भुना रही है कि आखिर ऐसा अगर पास्को एक्ट के आरोपी थे भाजपा के प्रत्याशी, तो आखिर 3 से 3.5-4 साल तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कुल मिलाकर भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस इस मुद्दे में जबरन जो है बीजेपी प्रत्याशी को फंसाकर झारखंड सरकार की मदद लेकर उन्हें घसीटने की कोशिश कर रही है। जी, यानी कुल मिलाकर कानूनी दावपेचों का सहारा लिया जा रहा है कि समन इत्यादि क्यों नहीं भेजा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। तो हमारे दो संवाददाता गौरव शर्मा और गौरव श्रीवास्तव, जो कि सीधा भानु प्रतापपुर से जुड़े, इस खास रिपोर्ट के लिए, भानु प्रतापपुर के संग्राम के लिए, निष्कर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम महिला टोली बनाकर अब ग्राउंड पर उतर रहे हैं। वहीं रोचक बात यह है कि जहां धान खरीदी केंद्र है, वहां पर धान खरीदी केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध अपना चुनावी कैंपेन चला रही है। वहीं कांग्रेस वहीं पर उनके पैरेलल ही मजबूती के साथ अपनी योजनाओं का, पॉलिसीज का प्रचार कर रही है। नेताम पर जो लगे आरोप है पॉक्सो एक्ट को लेकर हो, उस पर कांग्रेस एक तरफ से घेरने की कोशिश करे, दूसरी तरफ से बीजेपी डिफेंस करे। सर्व आदिवासी समाज कस्मों का सिलसिला अभी भी जारी रख रहा है। तो भानु प्रताप के संग्राम में आज के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स और सारी जानकारी के लिए देखते रहिए NS 24/7। नमस्कार।